भाई कभी ना ट्रेन के सामने मत खड़े हो ना भाई। तो व्हाट्सअप गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज हमारी है छोटी मोटी राइड, आज हम लोग जा रहे हैं 18 किलोमीटर। उस लोकेशन का तो नाम पता है नहीं, हमने नाम रखा उसका 18 किलोमीटर है ना, तो वहाँ जा रहे हैं। और आज मैं अपनी बाइक नहीं लाया हूँ क्योंकि भाई गाड़ी में आ गई दिक्कत। लास्ट सेफ ट्रेवल वाली राइड पे मैंने तुम्हें बता दिया था, गाड़ी में आ गई थी दिक्कत, गाड़ी हो गई थी ओवरहीट, और अभी चेन का इशू चल रहा है गाड़ी में मेन बस। तो जल्दी रिपेयर हो जाएगी, सर्विस पे डालनी है मेरे को गाड़ी। अभी तो मैं एक तरह से पिलियन बन के जा रहा हूँ, दोनों लोग हैं इनके साथ, एक पिलियन बैठ के जानी है मेरे को। अब मैं पहुँचता हूँ जगह पर, फिर बताता हूँ आपको। बहुत अच्छी लोकेशन है भाई, नेचर वाइज बहुत बढ़िया, बताता हूँ आपको। 18 किलोमीटर मान लो, यहाँ से भोपाल से 18 किलोमीटर दूर है, बानपुर के नीचे साइड से जाना पड़ता है, बट पहुँचते हैं और आपको बताते हैं। हम लोग रुक गए एक छोटी सी जगह पे, मतलब बीच रोड पे रुक गए, मतलब थोड़ा बहुत भाई लोगों ने बोला था रील बनानी क्या, नेचर अच्छा है बैक साइड का पूरा देख लो, आजू बाजू पेड़ ही पेड़ है, नेचर बहुत बढ़िया था। तो भाई की अभी फ़ोटो वगैरह खींच ली और रील्स वगैरह बना दिए। यहाँ पे भाई बीच में रुकने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ देख लो भाई, गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं, 2-3 तो गाड़ियाँ आ रही हैं। बाकी रोड अच्छा है भाई, रोड अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ख़राब है, पहुँच के बताते हैं भाई होता क्या है वहाँ पर जाके। तो भाई ये देखो अभी अपन पहुंच गए हैं पहले हाईवे पे, यहाँ से पता नहीं कौन सा कहाँ जाता है भाई, लेकिन ट्रक पर आगे राइट पे जा रहे हैं ना, आ नहीं रहा बता दो भाई, आगे बोर्ड पे लिखा है कहाँ जा रहा है, उस टाइम पर आ रहा हूँ भाई। भाई जबलपुर सागर और ताकि यहाँ से बैरतिया कहाँ से पड़ता था है विदिशा। विदिशा ने अभी पहुंचे नहीं, विदिशा लिखा 40 किलोमीटर दूर यहाँ से और झांसी 322 किलोमीटर। टोल तो अपना लगता है नहीं बाइकों का, अभी जीवन में टोल नहीं लगता, कार वालों का लगता है, कार और ट्रक वालों का। बाकी भाई टोल के हिसाब से रोड तो बहुत बेकार है, और ट्रक वाले इतने लकीड़ी जैसे चला रहे हैं ना भाई यहाँ पे सुबह सुबह, क्या बोलो। ये देखो भाई सामने दिख रही होगी तुम्हें ट्रेन जा रही होगी, राजधानी कोई थी वे लेकिन इतनी डब्बे पूरे भाई लग रही यार, मेरे को भी जाना है ट्रेन में डॉम भाई, ये गाड़ियों की ट्रक वगैरह की कोई केयर नहीं है यहाँ पे, कुछ रोड सही है भाई, कुछ कुछ रोड बिल्कुल सही है, यहाँ पे कार वाले ट्रक वाले सब लगू आ रहे हैं ना अलग ही स्पीड में, मतलब रॉन्ग साइड में अलग ही उठते जा रहे हैं भाई वो। इतने बड़े बड़े ट्रक सुबह सुबह आ रहे हैं भाई, तो भाई हाईवे पे हैं अपन आएंगे वो तो भाई, नाश्ते की दुकान दिख के ही रहे, कुछ खाया नहीं है सुबह से। चलो तो भाई पहुँच के आपको बताते हैं। मैं तुम्हें जो जगह दिखाने जा रहा था ना वो एक्चुअली मिल नहीं रही है क्योंकि 1-2 साल से हम लोग आए नहीं है, तो हमें इस रोड के बारे में कुछ नहीं पता था। वो भी एक झोपड़ी बनी थी, उसी के बाजू से जाना पड़ता था, वो एक कच्चा रास्ता था एक तरह से। अब वो झोपड़ी नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा है पक्का मकान बना दिया, यहाँ गांव वाले लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं भाई, एक तो उस लोकेशन का कोई नाम नहीं तो हम मैप में डाल के चले जाते भाई, हमने तो बस नाम रख दिया था 18 किलोमीटर, अब कुछ है ही नहीं भाई, अब क्या बोले। चलो वी विल ट्राई, हम ढूंढने का सोचते नहीं है, सोच ही रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, देखते हैं बताते हैं ना।
भाई अपन अपनी लोकेशन पे पहुंच गए थे, यहाँ से रास्ता था, एक कच्चा रोड था यहाँ से, बट यहाँ पे क्या रेलिंग लगा दी है, वायर वगैरह लग गई, तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता ही बंद है। अब देखते हैं भाई क्या करें, वैसे ट्राई तो पूरा था भाई जाने का अंदर। भाई से पूछते हैं कि भाई यहाँ अंदर एक वाटरफॉल पड़ता है ना, यहाँ से पहले अंदर जाते थे एक वाटरफॉल पड़ता था ना, तो ये अभी रास्ता बंद कर दिया क्या? आगे से रास्ता क्योंकि पहले हम लोग तो यहाँ से जाते थे, अब ये पता नहीं है कब लग गया, हम तो एक दो साल बाद आ रहे हैं। आगे से रास्ता ये महाराष्ट्र में होटल देखिए आप। आगे से ठीक है, डन। चलो भैया बता रहे हैं एक मिनट, कहाँ पे आप? ये गौशाला का बोर्ड था पहले, हाँ, जिससे आगे एक नीचे में रास्ता गई है इधर को, हाँ, इधर से इधर को आ जाना, इधर से सीधी है आई। अच्छा, तो मैप पे दिखा दो रास्ता, चलो मैप से देख लेता हूँ। भैया ने भाई रोड बता दिए, आगे आगे से रोड है ये वाला रोड, कच्चा रोड बंद कर दिया, आगे से पूरा गोल घूम के जाना पड़ेगा, एक महाराज सिंह होटल है वहाँ से भाई पीछे रोड गया, पूरा ऐसे पीछे से लंबा रास्ता कर दिया, अब लंबा पूरा घूम के पीछे से जाना पड़ेगा। चलो तो भाई पहुँचते हैं अपन अपनी लोकेशन पे। चलो भाई ये देखो पैदल चलने की तगार आ गई है, यहाँ से अंदर जाने को बोला भाई, गाड़ी पूरी ऐसा लग रहा है, यहाँ पर एक पल्स लानी चाहिए थी, इन दोनों की बाइक को घंटे नहीं ऑफ रोड कर पाएगी। ये जा रहा भाई रोड पूरा डोमनिक भैया है, खड़ा है डोमनिक भाई, पता नहीं वहाँ कुएं में घुस गए, वो आ रहा है बहुत दूर से आ रहा है भाई। हाँ भाई ट्रेन इतनी तो ट्रेनें निकलती हैं यहाँ से, अरे पाँच का सिक्का लाया क्या, पटरी पे रखूँगा बर्बाद करने का शौक है भाई मेरे को ये भाई, ये यहाँ से बहुत दूर है भाई, भाई गाड़ी पे बिठाओ, गाड़ी पे बिठाओ। चलो भाई अब अपन बैठेंगे R15 पे, लीड करो, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ऑन रोड लग रहा है, ऐसी बातें करता है वे बोलता बेटी बोल रहा हूँ ऑफ रोड है चला लेगा भाई धीरे धीरे चला, अंदर देख रहा गांडू फिसल जाएगी गाड़ी, बोलते धूल कैसे फेंक रही है, बोलो और वो देखो ग्रेट खाली धीरे कह रहा मेरे आंखों में धूल जा रही, हाँ खुद ने वायदे लगा लिए बेटा, सही है कम ब्रो। भाई ये देखो यहाँ आए थे अपन, ये रास्ता बंद था भाई, पूरा गोल घूम के आना पड़ा इसके चक्कर में, यही था अभी पक्का मकान की हो गया भाई, अभी तो कच्चा मकान था तो भाई हड्डी भाई मैं गिर जाऊंगा भाई, वो कल वाले की तरह गिरेगा क्या? हाँ वो नजेड़ी। चलो भाई पहुँचते हैं अपन, ऑफ रोडिंग चल रही है यहाँ पे, किस तरफ जाना है? यहाँ पे भी चलना है, चलते रहे और रुक गया मैप हो गया, सीधे चलना भाई, मेरे डर गया भाई कौन सी ट्रक आ गया यहाँ पे, दो दो ट्रेन एक साथ निकलती है भाई, क्या हो रहा है, सीधे चल भाई, रोड देख लो तुम, डोमनिक तो कूदा कूदा के बच गया, इनकी गाड़ी के हिसाब से रोड नहीं है भाई, पहले हम लोग क्या भाई दो तीन साल पहले हमारे पास स्कूटी हुई करती थी, तो स्कूटी से आते थे, स्कूटी को तो भाई कैसे भी फेल दो फर्क नहीं पड़ता था, बाइक पे अगर कुछ वो हो गया तो भाई बड़ा नुकसान होता है। बस भाई यहाँ पे गाड़ी रोक देंगे अपन और थोड़ा बहुत अपन को पैदल चलना है, और लेकिन अभी बात यह है कि वो जो वाटरफॉल है वो पूरा सूखा हुआ है, पानी वानी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सूत्रों से खबर मिली है भाई यहीं पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी तुम्हें, कुछ पीने के लिए ले आते, कुछ पानी की बॉटल ही उठा लेते बाहर से अपन, अगर चल वे यहाँ पे भाई गाड़ी लगानी पड़ेगी। अब बात ये है कि इस रेलिंग को कैसे पार करें अपन, खुली है क्या? अबे मैंने देखी नहीं भाई, देखो रेलिंग खुली पड़ी हुई है,
हड्डी एक लोटा उठा ले, संडास मिल गया तेरे लिए, संडास मिल गया हड्डी। ओ भाई भाई तू दूसरों को बता रहा है, खुद गिरते गिरते बचा, अभी लग गई तार नहीं घुसी, कोई नहीं बच गया ना। हाँ भाई चलो डोम भाई जिंदा भाई। हाँ तो भाई अब कोई ट्रेन व्रेन आए तो मैं लिफ्ट मांगता हूँ उससे कि भाई लिफ्ट दे दो। इधर भाई ये रहा ट्रैक अपना, पटरी बोलते हैं। कामी है अभी जीवन चक छोड़ दो, अभी जीवन चक छोड़ दो, एमपी नगर जाना। चलो भाई यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे अपन। ओह ओ भाई कांटे वाले पेट। हेलो भाई यहाँ से कूदेंगे अपन नीचे, मस्त ब्लॉगिंग चल रही तुम्हारे भाई की, तुम्हारा भाई एक एक चीज दिखाएगा। ये रास्तों में कुत्तों से बचने के लिए टोपी कहाँ भाग रही है। ओ भाई क्या रोड। ओ भाई ये रहा झरना, झरने की तो आवाज आ रही थी। अरे टेंट किसकी बड़ी है, ट्रेन में तो ये सब उतार के छोड़ देंगे भाई। वाटरफॉल वाटरफॉल नहीं रहा अब, बाहर ढाबे वाले ने सही बोला था भाई, बोल रहा था पूरा वाटरफॉल सूखा पड़ा, पत्थर ही पत्थर मिलेंगे तुम्हें, उसका कहना सही था। ये रहा वाटरफॉल, कुछ भी नहीं है भाई इसमें, पूरा सूखा पड़ा हुआ है। कोई नहीं भाई, अपन को अपनी लोकेशन पहुंच नहीं थी, हमें पानी से मतलब था लेकिन अब नहीं मिला तो क्या करें भाई। कोई ट्रेन वाले से बोलो लिफ्ट दे रहे यार, पता नहीं क्या लिखा है। ये रहा भाई पूरा रोड, अबे ठंडे को जिम की छुट्टी रहती, कार्डियो मेरा यही होना है। ओ भाई 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 भाई कैसे कैसे हिल रहे पत्थर भाई। डॉम भाई ऊपर खड़े और हड्डी भी, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, दूतिया कट गया। अबे इतने अच्छा ना मैं साला लेक व्यू पे जाके छपरियों को देख लेता, वीआईपी पे जाके जो भी। चलो छोड़ो भाई अपन चलेंगे वापस। क्या मतलब बे पत्थर देख के, चलो भाई हमारा भाई मेहनत करेगा ऊपर जाएगा, कुछ नहीं बुलाओ से। ओए ट्रेन आ रही है तो बता, ट्रेन आ रही है क्या। ओ भाई थक गए देखा, टाइम पे आग बंद कर ली मैंने। ओ भाई तू मेरे से बोल रहा था अच्छे से चल, इधर चल के देखते हैं इधर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अरे वो मूवी में दिखाते ना पैर अटक जाता पटरियों पे, ओ भाई पैर फंसने का कहीं से रोल ही नहीं है इसमें। यहाँ पे रेगिस्तान, यहाँ पे भी सब कुछ सूखा सूखा पड़ा है भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे। पोपट और लाल हो गया, चलो कोई नहीं भाई।
ट्रेन के सामने मत खड़े हो ना भाई, लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी हो भाई, पूरा टॉयलेट का मुंह तोड़ के किस किस पे है ये बताओ भाई। सीटें पड़े भाई, मैं गिर रहा था टिकटक का डब्बा, टिकटक का डब्बा ही पहले गिर गया था भाई, वो बड़ा भाई जो मुझ का आसन मिल गया खांडू।